नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। सिद्धार्थनगर के जनपद के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत खैरी शीतल प्रसाद, जो भुराही नदी के बीच स्थित है, पिछले दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण बूढ़ी राप्ती नदी के जल स्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे गांव वालों को गांव के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाढ़ के पानी से हजारों बीघा फसल डूब चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक हमारे गांव में ना तो कोई अधिकारी आया ना कोई कर्मचारी आया। हमारी प्रशासन से मांग है कि हमारे गाँव में भी सर्वे करें और हम सबको जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दिलवाने का कष्ट करें। मैं खरी शीतलपुर ग्राम आया। यह गांव पूरा बाढ़ से ग्रस्त है, पानी से घिरा हुआ है और मैं पूरे गांव वालों से बातचीत किया और गांव वालों की और यहां सरकारी योजनाओं का अभी तक कोई लाभ लोगों को नहीं मिला और सारे लोग समस्याओं से परेशान हैं। इसके लिए मैं प्रशासन से बात करूँगा। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि बाढ़ में हमारी फसलें नुकसान हो गई हैं, खाने के लिए लोग के पास कुछ है नहीं, तो इसमें आप क्या पहल आपका होगा? पहला पहल तुम्हारा होगा कि मैं यहाँ के SDM से बात करूँगा कि यहाँ लोगों को सरकारी से लाभ क्यों नहीं मिला और यथास्थिति मेरी भी जो होगा मैं लोगों की समस्या सुना उसके पे काम करूँगा। और आपका नाम क्या और किस पार्टी से आप बिलोंग कर रहे हैं? मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता और किंकर है। मैं जनता यूनाइटेड का भाई प्रत्याशी सोरतगढ़ विधानसभा 300। परेशानी क्या आपके यहाँ? परेशानी साहब जो है कम से कम 12 मौजा है, 3 दीह जो है घोषित किया है, पूरा जो है घोषित करा दिया जाए साहब। किस चीज में घोषित किए? ये दहियतरे में। दहियतरे में बाढ़ नहीं, आप यहाँ बाढ़ आया? हाँ बाढ़ यहाँ है। तो बाढ़ में फसल सब जो है नष्ट है साहब, कुछ फसल बचा है तो उपाहिकार कह हुए। तो यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया जांच करने के लिए? कोई नहीं आया तक ना यहाँ, अभी कोई नहीं आया। और लगभग कितना फसल नुकसान हुआ होगा? फसल बहुत नुकसान है साहब, कम से कम हजारों बीघा नुकसान है। हजारों बीघा और ऊपर हुई साहब। तो मतलब इस गांव की अनदेखी की गई प्रशासन के द्वारा? हाँ कही दिया जाए भैया। तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? अब जो हो जोर हटे दे दिया भैया। नाम क्या है आपका? चिन्नू। कौन गाँव घर है? खैरी शीतल प्रसाद। बीडीसी है? बीडीसी। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले में बहने वाली 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे नौगढ़, उसका जोगिया, शोहरतगढ़, इटावा, बांसी ब्लॉक क्षेत्र में हजारों बीघा खेत मैरुंड हो चुके हैं। गाँव के किनारे तक नदियों का पानी पहुँच चुका है। कई क्षेत्र में स्थित क्षेत्र खलिहान, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र में पानी भर गया है। लोग परेशान हैं, लेकिन उसकी समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन की मदद अब तक नहीं पहुंची है। क्या नहीं जब वोट ले के समय हुई तब अधिकारी लोग दौड़ी हैं और ऐसी नहीं। आपकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं? नहीं क्यों नहीं। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब का होना चाहिए, अपन जौन हमन के सुविधा हो तो सरकार करें, नहीं हमन के डूबी जाए दे, मर जाए दे यही नदी नारा में। सकलदीप का नाम शीला है। शीला, कितनी समस्याएं होती है जब बाढ़ आती है? इतनी परेशानी होती है कि नदी के कोई सुविधा नहीं है, बाढ़ आती है सब लोग डूब जाते हैं, धान नहीं होता है, चावल नहीं होता है। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य कैबिनेट मंत्री राजा जय प्रताप सिंह के गृह जनपद में अस्पताल के फर्श पर सुलाकर चढ़ाया जा रहा मरीजों को ग्लूकोज। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मानवता को शर्मसार करने वाली इस वीडियो में अस्पताल प्रशासन के दावों की खोली पोल। मुख्यालय में स्थित गांधी स्मारक संयुक्त चिकित्सालय के इमरजेंसी में मरीज का जमीन पर हो रहा इलाज। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। और खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।